ओम शांति। आज बाबा के 11 जुलाई 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 3 फरवरी 1988। आज बाबा अपनी आशाएं बच्चों को व्यक्त कर रहे हैं, जैसे बाप दादा बच्चों की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बाप दादा आशाएं पूर्ण करने वाले रूहानी दीपकों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण चमकता हुआ जगमगाता हुआ दीपक है, चिमचिमाता हुआ दीपक तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो बाबा ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं जो सदा जगमगाने वाले हैं। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की रूहान चली कि बच्चों के प्रति आपकी आशा कौन सी है, तो ब्रह्मा माँ ने कहा कि सभी बच्चे अपने शक्ति प्रमाण, यथाशक्ति प्रमाण, अटेंशन प्रमाण बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी सोचना और करना इसमें अंतर हो जाता है। जबकि बाप दादा का बच्चों से प्यार है, बच्चों का भी बाबा से प्यार है, फिर भी अंतर क्यों पड़ जाता है? जब बच्चे याद करते हैं बाप दादा ने क्या क्या किया, क्या क्या बनाया, तो स्नेह उमड़ता है कि हमें बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है। लेकिन संगठन में भिन्न भिन्न संस्कार, माया के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से कभी विचलित भी हो जाते हैं। स्नेह में सब बच्चे पास हैं, बाप दादा से बहुत प्यार करते हैं, स्नेह की माला विजय माला से भी बड़ी है, लेकिन विजय माला में आने के लिए एक बैलेंस रखना होगा। बाप दादा की विशेष जो आशा है वो है शिव बाप समान साथी और साक्षी बनना, और दूसरी आशा है जैसे बाबा से प्यार है ऐसे ब्राह्मण परिवार से भी प्यार हो, ब्राह्मण परिवार के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना। दिल का प्यार इतना है कि बाप दादा के स्नेह में सब फिदा हो जाते हैं, जुदा होने के लिए तैयार नहीं। स्नेह में कोई भी मेरापन नहीं रहता, आपने किया मैंने किया और ही आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं, अगर मगर के चक्र से परे रहते हैं। जैसे बाबा बच्चों को आगे बढ़ता देखकर कितना खुश हुए, बाबा का निस्वार्थ स्नेह रहा, रूहानी स्नेह रहा। जहाँ स्नेह होता है वहाँ स्नेही का हर बोल प्यारा लगता है, कोई भी बोल चाहे स्नेह से कहा या हुज्जत से बोला उसका भाव समझ में आता है। कभी भी स्नेह में मेरापन नहीं होता बल्कि अपनापन होता है। स्नेह की बात उसका अर्थ समझ में आता है कि कोई भी बात बेमतलब नहीं, इसका ज़रूर कोई अर्थ होगा जो मेरे लिए कहा है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ त्याग की भावना होती है। तो बाबा की ये आशा है कि जैसे शिव बाबा के प्रति प्यार है तो साथी और साक्षी बनने का बच्चे अभ्यास करते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण परिवार के प्रति प्यार हो। सेवा में माया क्यों आती है? सेवा तो माया जीत बनाने वाली है, विजयी बनाने वाली है। सेवा में भिन्न भिन्न संस्कार स्वभाव की टक्कर क्यों है? दिल का स्नेह जो होना चाहिए, जैसे बाबा के प्रति कोई कितना ही हमारी गलत फहमी हमें लाए आ नहीं सकती, बाबा के प्रति अटूट प्यार है। बाबा जो कहता है हाँ जी करते हैं, ऐसा ही अटूट प्यार ब्राह्मण परिवार के प्रति हो वो क्यों नहीं है? उसके लिए बाबा ने कहा मूल कारण है कि ब्राह्मण परिवार के प्रति जो जिगरी प्यार होना चाहिए वो भी नहीं है। अगर बाबा के प्रति प्यार जितना है उतना ब्राह्मण परिवार के प्रति भी हो तो ये है बाप समान बनना, बाबा की आशा को पूर्ण करना। स्नेह में श्रेष्ठता होती है। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही
कि अगर कोई सेवा करता है लेकिन उसमें मैंपन आ रहा है, माया आ रही है, तो वो बाबा के पास जमा नहीं होता। किसी ने 50-60 सेंटर खोले, हलचल में है, आपस में टकराव हो रहा है, मेरा हक तेरा हक, मैंने कहा इसने कहा, तो बाबा का हक कहाँ गया? बाबा ने कहा ऐसा सेवा का खाता जमा नहीं होता, जमा वो होता है जो सेवा भाव से किया हुआ है, इसमें सर्व के सहयोग की भावना है, शुभ भावना शुभ कामना है, जो सच्ची दिल से की गई सेवा है वो जमा होती है। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, वो बाबा के पास जमा नहीं होता। वही जमा होता है जो योग युक्त होके किया, माया जीत बन करके किया। ऐसे नहीं कि हम तो खूब सेवा करते हैं, दिन रात जाग के भी सेवा करते हैं, लेकिन बाबा के पास केवल वही जमा होता है जो योग युक्त स्थिति में किया गया, माया से मुक्त होकर के किया गया। बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि सेवा करो, योग युक्त होकर के करो, निस्वार्थ भाव से करो, बड़ी दिल से करो, शुभ भावना से करो कि वो आपका खाता जमा हो। ये दोनों बाबा की आशाएं पूर्ण करने वाले रूहानी दीपकों को बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार दिया। ड्रामा की स्मृति अचल अडोल बनाती है, ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, बाबा भी कल्याणकारी है। जिन्हें ड्रामा शब्द को सही यूज़ करना आता है वही अचल अडोल एक रस रहते हैं। समय को अमूल्य समझ सफल करना है, व्यर्थ नहीं जाने देना। आज हम सब बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले रूहानी दीपक बनकर इन आशाओं को पूर्ण करने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करेंगे कि बाप समान मुझे साक्षी और साथी बनकर रहना है, हर एक के प्रति शुभ भावना और प्यार, ये प्रभु परिवार है, सबके प्रति शुभ भावनाएं और प्यार बांटते चलेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति दो शुभ आशाएं। ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति दो शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की आशा पूर्ण करते। बाप के बच्चों के प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं वो जानते हो ना? बाबा की हमसे कौन सी शुभ आशा है बाबा पूछ रहे हैं, जानते हो ना? हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक हैं। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत, दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत, सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। बाबा बच्चों को जगमगाता हुआ देखते हैं तो सदा हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रूहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना, तो रूहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं, तो ब्रह्मा ने बोला बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाबा की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाबा ने हमारी सब आशाएं पूर्ण की तो हम भी बाबा की सब आशाएं पूर्ण करके दिखाएं, लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। आशाओं को पूर्ण करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं, सोचना और करके दिखाना इसमें अंतर पड़ जाता है। जो संकल्प करते हैं, कोई कोई बच्चे तो संकल्प को कर्म में लाते हैं,
उमंग उत्साह में रहते हैं और कभी कभी कर्म में आते समय संगठन के संस्कार या माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांस रूपी पेपर कहीं मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा वह सर्कमस्टांस के कारण संस्कार के कारण करने में अंतर डाल देता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे थे क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। ब्रह्मा बाबा बच्चों को साथ भी लेके जाएंगे और सतयुग से भी साथ में आएंगे, तो साथ लेके भी जाना है, साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना, वह सदा साथ रहने वाला है और वो साक्षी हो देखने वाला है। ब्रह्मा बाप साथ रहने वाला है, शिव बाबा साक्षी हो देखने वाला है। अंतर है ना, ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ भावनाएं इमर्ज रहती हैं। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वत ही स्नेह रहता है। तो ब्रह्मा माँ कहो, ब्रह्मा बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप के प्रति आशा है, दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। एक तो शिव बाबा के प्रति हमारी आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। ब्रह्मा बाप समान हम सब बच्चों को बनना ही है, लेकिन ब्रह्मा माँ का बच्चों के प्रति प्यार है, तो क्या कह रहे हैं, बाप दादा के समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी और साथी बनना, हर बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वो क्या, एक बात में बाप दादा बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं, वो कौन सी? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह बहुत अच्छा है, बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर हैं, स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी हैं, कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो भी ऐसे स्नेह में फिदा हैं जो जुदा हो ही नहीं सकते। हम स्नेह में ऐसे फिदा हैं जो जुदा हो ही नहीं सकते। सबको दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली की बजाय यथाशक्ति है। बाबा हम सबका चार्ट बता रहे हैं कि बच्चे स्नेह में तो पास हैं, फिदा हो गए, इतने फिदा हो गए कि जुदा हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर मगर के चक्र से परे सदा शक्तिशाली इसमें नंबरवार हैं, यथाशक्ति हैं। सदा शक्तिशाली की बजाय यथाशक्ति हैं बाप दादा, इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते, जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है, बाप दादा के प्रति स्नेह में तो सब पास हैं, लेकिन विजय माला भी इतनी लंबी हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं,
जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी विजयमाला बन सकती है, 108 की हद में भी नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। 108 की हद में भी नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम उसमें कैसे आ सकते, ऐसी बात नहीं है। एक आशा हम सब ने सुनी, बाप दादा के समान साक्षी और साथी। दूसरी आशा परिवार प्रति, वो है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, चाहते तो हैं, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया, परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती, प्रश्न पूछेंगे अपने आप से, परिवार के प्रति शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती, इसका कारण क्या है। जैसे बाबा से दिल का स्नेह है, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में लाए, गलत फहमी करे, कोई भी आपको कैसी भी बातें सुनाए, कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। बहुत ही सुंदर बात, कर्म क्षेत्र पर हम प्रयोग भी करेंगे। अगर हमारा स्नेह होता है, हमें कोई इशारा दे किसी बात का, तो हम कभी भी गलत फहमी के शिकार नहीं होंगे, उस बात को कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। स्नेह में कभी अपना व पराया नहीं लगता, स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी, इसने ये क्यों कहा। स्नेही स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, अंडरलाइन करेंगे, सच्चा स्नेही स्नेही के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा ये होगा, सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि इस अवश्य इसने कोई मतलब से कहा है, कोई हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि इसके पीछे भी कुछ मीनिंग होगा, कोई अच्छी बात होगी, अवश्य किसी मतलब से कहा है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा, स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। ब्रह्मा बाप के प्रति जो सच्ची हमारी भावनाएं हैं, आशाएं पूर्ण करने की, वो ये है कि जैसे बाबा से प्यार ऐसे परिवार के प्रति प्यार। ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना, वास्तव में सेवा मायाजीत बनाने वाली है, सेवा मायाजीत बनाने वाली है, माया चलाने वाली नहीं। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है, इसका मूल कारण क्या, दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। जो दिल का स्नेह है वो त्याग की भावना उत्पन्न करता है, वो ना होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा का खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योगयुक्त होके करते हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जमा क्या होता है, जो सेवा प्यार से करते हो, योगयुक्त होके करते हो, वही खाते में जमा होती है। चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के निमित्त बन जाए, सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा का खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योगयुक्त होके करते हो। किसके पास 2 सेंटर हैं, देखने में 2 सेंटर के इंचार्ज आती हैं, और कोई 50 सेंटर के इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न हैं, माया से हलचल से स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज़्यादा सेवा का खाता जमा है। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर हैं, 40 सेंटर हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर हैं,
बाबा देख रहे थे माया से मुक्त कितने सेंटर हैं, सेंटर भी बढ़ाते जाओ माया भी बढ़ाते जाओ, ऐसी सेवा बाबा के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। आप सोचेंगे अब तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते हैं, खाना भी एक बार बना के खाते हैं, रात को ही खा लेते हैं, इतना बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। चेकिंग ये करनी है कि जब हम सेवा कर रहे हैं साथ साथ माया के साथ बिजी तो नहीं रहते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? अब मेरा हक तेरा हक करने लगे, बाबा पूछ रहे हैं बाबा का हक कहाँ गया? समझा, सेवा था जिसमें स्वयं के सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल दिखाई दे। सेवा क्या है? जिसमें स्वयं के सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल दिखाई दे, प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना शुभकामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती, चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। सिर्फ अपने दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप के दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इससे कहा जाता सच्ची सेवा। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रखना, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज़्यादा जमा करने वाले, इसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की, सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, स्पेशल शुक्रिया, आपने हमें नई नई स्नेह की परिभाषा देकर सच्चे दिल का स्नेह जागृत किया। आज का वरदान, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर अचल रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे, एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्वयं कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी युग है, इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वे समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वे समय पर धोखा नहीं खाते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।